इंजुशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई नो आई एम लिटिल लेट, बट द न्यू ईयर इज स्टिल न्यू, सो आई कैन से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। 2020 फाइनली चला गया है एंड इट्स बीन ऑनेस्टली इट्स बीन वेरी टफ फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी। सो एनीवे हम लोग सर्वाइव कर गए 2020 एंड दैट्स अ बिग डील। सो आज जो है मेरे 2021 का मेरे चैनल पे पहला व्लॉग आने वाला है सैमसंग। हम लोग जा रहे हैं अभी पार्लर, शाम का समय है, अभी 5 बज गए, तो थोड़ा सा थ्रेडिंग करवाना है और मम्मी को फेस मसाज वगैरह करवाना है। सो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पार्लर, और ये छोटा सा पार्लर है जो कि हमारे घर के बगल में ही है। तो यहाँ पे मम्मी का चल रहा है मसाज, और ये रहा रित्विन, इनोसेंटली बैठा है मेरा पर्स पकड़ के। एंड मेरी थ्रेडिंग हो चुकी है, बस मैं वेट कर रही हूँ मम्मी का। और ये जो पार्लर है ये काफ़ी छोटा है, यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे पार्लर्स है, कोई बड़ा सलून वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मम्मी का वेट कर रही हूँ। और वेट करते करते मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो हेयर है वो ट्रिम करा लेते हैं, क्योंकि विंटर में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्रिम करा लेते हैं तो कुछ दिन तक आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं करवा रही हूँ हेयर कटिंग। अब हम आ गए हैं घर पे, और घर आने के बाद हम लोगों को बहुत ही एक यम्मी सा चीज़ बनाना था जो कि मैं शेयर करूंगी आपके साथ थोड़ी देर में। हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ घर के सामान भी हम लेके आए हैं, डोरमेट्स वगैरह, कुछ सामान नीचे हैं। और मम्मी ने रित्विन के लिए एक ड्रेस भी लिया है यहाँ पर, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। सो गाइज, वी आर बैक, और हम लोग मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए भी चले गए थे, थोड़ा बहुत घर का सामान वगैरह लेना था। और रित्विन रास्ते में पापा से मिल गया तो उनके साथ चला गया है, एंड अभी मैं करूंगी ड्रेस चेंज, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, चेंज कर लिया मैंने और पूरा मैस उधर मैंने ही किया है, एंड मम्मी बना रही है अभी अनरसा। तो मकर संक्रांति आने वाला है तो इसलिए यहाँ पे बन रहे अनरसा, और भी बहुत कुछ बनेंगे। अरसा अनरसा एक ही होता है, सब्जी क्यों मार रहे बेटा नानी को? क्या बना रहे? अरसा। मम्मी भी पहली बार ही बना रही है, मम्मी भी पहली बार ही बना रही है, इससे पहले तो एक बार और बनाइए। बट मतलब हमारे घर में जब भी संक्रांति होता तो पहले दादा दादी ही बनाते थे, अभी वो नहीं बना पाते क्योंकि एज हो गई है। तो अभी मम्मी ट्राई कर रही है, ये सेकेंड बार है और अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ क्विकली अनरसा की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये जो राइस है इसे रात भर भिगोने के बाद सुखा लिया गया है, और मोटा वाला राइस नहीं लेना है, पतला वाला राइस लेना है, अरवा चावल भी बोलते हैं इसे। और इसे इस तरीके से मिक्सी में पीस लिया है हमने, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरीके का टेक्स्चर रहना चाहिए इसका। और उसके बाद इस हम बनाएंगे पाग गुड़ का। अगर आप चीनी में बनाना चाहते हैं तो चीनी का, या फिर गुड़ का बनाना चाहते हैं तो गुड़ का। तो ये पानी में गुड़ को इस तरीके से बॉईल किया जाता है, और इसे तब तक पकाया जाता है जब तक ये गाढ़ा होना स्टार्ट ना हो जाए। अब ये रेडी हो गया है, और इसे चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लगे कि ये हो गया है तो इसे पानी में थोड़ा सा ऐसे डालना है, और ये इस तरीके से अगर हाथ में उठ जाता है मतलब ये रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल वाला आटा। तो इसे ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट करना पड़ेगा, एक लोग डालेंगे और एक लोग चलाते जाएंगे ताकि ये जो इसमें कुछ भी गुठली टाइप का ना बने,
गांठें ना पड़े इसमें। तो इस तरीके से इसे चलाना है अच्छे से, जब गर्म रहे तभी, और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा आराम से। यहाँ पे हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद एक लेंगे प्लास्टिक, ये इस टाइप का प्लास्टिक होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्च्यून वाला प्लास्टिक लिया है, इसे कट करके अपने हिसाब से छोटा कर लेंगे और इसके ऊपर ही हम बनाएंगे अनरसा। आया हुआ है तो मैंने ऑलरेडी मिल्टन का रॉयल वाला स्पिन मॉप रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, तो उसी को देख के यहाँ पे हमारी आंटी ने भी मंगवाया था, तो उसे अभी मम्मी कर रही है अनबॉक्स। एंड यहाँ पे ये वाला जो है ये रॉयल स्पिन मॉप है, और जो मैंने रिव्यू किया था वो मिल्टन स्पिन मॉप है। दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस बास्केट थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो चेंज है, बट दोनों काम सेम ही करता है। इनफैक्ट मुझे रॉयल स्पिन मॉप ज़्यादा बेटर लगा, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मिल्टन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो जो अनरसा बना था वो अब मकर संक्रांति के दिन ही मिलेगा। तो यहाँ पे मम्मी ने बनाया मंचूरियन, वैसे मुझे मंचूरियन उतना पसंद नहीं, बट मम्मी के हाथ का पसंद है, तो यहाँ पे मेरी फेवरेट खीर और मंचूरियन बनी है डिनर में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई जस्ट वोक अप एंड हम लोग यहाँ पे नेट लगा के सोते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, रात में आप सो नहीं पाओगे विदाउट नेट। दिखाती हूँ आपको मम्मी क्या कर रही है। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, और डेली रितविन का रूटीन है कि वो मम्मी के बगल में जाके बैठ जाता है हाथ जोड़ के। अभी वो फ़ोन देख के, कैमरा देख के थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है, बट वो हाथ जोड़ के बैठा रहता है और प्रसाद का वेट करता है। तो ये इस तरीके का उसका रूटीन है सुबह का। यहाँ पैक हो रही है मेरे भाई की टिफिन। मैं आ गई हूँ अभी छत पे, क्योंकि अभी ठंड थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी क्या बहुत कम हो गई है, बट फिर भी धूप, सुबह सुबह का धूप काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सहजन का पेड़ है, इसमें जो फूल दिख रहा है उसे मूंगा फूल, आई थिंक सहजन का फूल बोलते हैं, और इसकी सब्जी बनती है। तो इसे हम तोड़ के ले आए हैं यहाँ पे, और इसकी सब्जी आज दोपहर में बनेगी, साथ ही साथ बनेगा पालक का साग। तो बिल्कुल हरा भरा खाना बन रहा है आज, तो लंच की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात में डिनर विनर करने के बाद हम लोग सो गए थे, और यहाँ पे सब बहुत जल्दी सो जाते हैं, मतलब 10 बजे तक सब बेड पे चले जाते हैं। उसके बाद आवाज़ इतना गूंजता है ना कि सबको डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि ये जो घर है ये नया है, और अभी जो रूम्स के डोर्स वगैरह है वो भी नहीं लगे हैं, तो आवाज़ बहुत गूंजता है। इसलिए मैं रात को ये जो ब्लॉग है एंड नहीं कर पाई। सो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग भी विश कर देंगे आपको और एंड भी कर देंगे ब्लॉग को। एंड यस, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने घर कब जा रही हूँ,
तो मकर संक्रांति के बाद हमारा प्लान है जाने का, और प्रिंस भी आने वाले यहाँ पे, तो हम लोग कुछ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे सोच रहे हैं जाने का, तो उसका ब्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम लोग गए तो। एंड यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है, देवड़ी मंदिर, जो कि धोनी का फेवरेट मंदिर है, MS धोनी का, वो वहाँ पे हमेशा अक्सर आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। सो आने वाले ब्लॉग थोड़े से एक्साइटिंग है, स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। एंड यस, आई विल सी यू सुपर सून माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय।